अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी, आज आपको जैसे पता है कि आज हमारी लास्ट क्लास है डिजिटल मार्केटिंग की, और आज हमने गूगल एड्स जो है ना उसमें हमने डिस्प्ले एड बना के इंशाल्लाह देखेंगे, ठीक है। गूगल एड्स में बेसिकली जो मेन रोल होता है ना, वो कीवर्ड रिसर्च का होता है। तो मेनली आपने कीवर्ड सर्च कैसे करनी है वो मैंने आपको कल बता दिया। कल हमारी पूरी क्लास ही कीवर्ड सर्च पे थी, हमने काफ़ी डिटेल से कीवर्ड सर्च करके देखी थी। तो हमने फाइल्स भी बनाई कीवर्ड सर्च की कल। तो अब उसके बाद हमने उसमें से अपने कीवर्ड्स रिफाइन किए थे जो कि हम अपनी कैंपेन में यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम कैंपेन बनाएंगे, और जो हमने कल कीवर्ड्स फाइंड आउट किए थे वो कीवर्ड्स हम अपनी कैंपेन में यूज़ करेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। तो कैंपेन बनाने के लिए आपने सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना, ये जो प्लस का साइन आ रहा है ना, ओके। इसके बाद आपने यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि आपके कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है। अभी यहाँ पे सॉरी, पहले ना यहाँ से मैंने अपना अकाउंट सेलेक्ट करना है, उसके बाद ये कैंपेन क्रिएट होगी। अब वो आपसे आपकी कैंपेन का ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है कि आप क्यों कैंपेन बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ये जो पहले से इन्होंने ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं ना, आप इनमें से भी कोई सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप सेल्स आना चाहते हो सेल्स ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर लें, अगर आप लीड्स कलेक्ट करना चाहते हैं तो लीड्स का ऑब्जेक्टिव आप सिलेक्ट कर लें, और अगर आप अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लाना चाहते हैं तो इसके लिए आप वेबसाइट ट्रैफिक का ऑब्जेक्टिव चूज करेंगे। और अगर आप अपनी ऐप को प्रमोट करना चाहते हैं, मतलब आप अपनी ऐप्स के ऊपर डाउनलोड्स इंक्रीज करना चाहते हैं, तो ऐप प्रमोशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो आप चूज करेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर आप अपने ब्रांड की अवेयरनेस जो है वो बढ़ाना चाहते हैं, तो अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन ऑब्जेक्टिव आपने चूज करना है। और अगर आप अपनी शॉप के ऊपर ज्यादा विजिट्स लाना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोकल शॉप विजिट्स एंड प्रमोशन का ऑब्जेक्टिव चूज करेंगे, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल आप चाहते अगर हम इनमें से कोई भी ऑब्जेक्टिव चूज कर लें, तो हर एक ऑब्जेक्टिव के लिए स्पेसिफिक कुछ सेटिंग्स होती हैं जो कि गूगल पहले से आपको रिकमेंड करता है, मतलब तो उसकी स्पेसिफिक सेटिंग्स आपको गूगल भी देता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप सारी सेटिंग आपके अपने कंट्रोल में रहे ना, तो उसके लिए आप ये क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इससे आपके पास पूरा कंट्रोल होता है कि आप हर चीज़ की सेटिंग्स जो है ना वो खुद से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ से ना कैंपेन टाइप सेलेक्ट करनी कि आपने कौन सी वाली कैंपेन चलानी है। तो कल मैंने आपको सारी कैंपेन टाइप्स जो थी ना एक्सप्लेन की थी कि कौन सी कैंपेन का मतलब क्या है, वो हम कब चलाते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम पहले डिस्प्ले कैंपेन पे क्लिक करेंगे, पहले हम ये बनाना सीखेंगे। उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपके बिजनेस वेबसाइट का एड्रेस क्या है, ठीक है। तो आपकी जो भी अगर फॉर एग्जांपल आप कुछ सेल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपकी वेबसाइट होना जरूरी है, फिर ही आप ये डिस्प्ले एड रन कर सकते हो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने ई कॉमर्स की वेबसाइट की रन करनी है, अगर तो आपने ई कॉमर्स की कोई एड रन करनी है कुछ सेल करने के लिए, ठीक है, तो उसके लिए आप example.com वेबसाइट लिख सकते हो। अदरवाइज आप अपनी जो आपकी वेबसाइट बनी हुई है आपने उसका एड्रेस ही यहाँ पे डालना है, ठीक है। और अगर नहीं है ना कि ये जो example.com वाला वेबसाइट एड्रेस है ना, ये अगर हमारे पास वेबसाइट ना हो ई कॉमर्स की और हम प्रैक्टिस पर्पज के लिए ये यूआरएल यूज कर सकते हैं, इससे एरर नहीं आता, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए आप ये यूज कर सकते हो, अदरवाइज आपकी वेबसाइट होगी तो वो आप अपनी वेबसाइट का एड्रेस यहाँ पे यूज करोगे, क्योंकि वेबसाइट एड के बगैर आप यहाँ पे डिस्प्ले एड जो है वो रन नहीं कर सकते गूगल में, ठीक है। तो आपने यहाँ से अपनी वेबसाइट का एड्रेस चूज करना है। यहाँ से आपने चूज करना है कि आप किस गोल पे फोकस कर रहे हो अपनी जो है ना कैंपेन के अंदर, ठीक है। तो अगर तो हमने परचेज पे फोकस करना है, यानी आप चाहते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा आपकी वेबसाइट के थ्रू या आपकी शॉप के थ्रू जो है ना कुछ बाय करें, तो फिर आप ये परचेज वाला जो है ना कैंपेन ऑब्जेक्टिव वो चूज कर लोगे। मोस्टली जो डिस्प्ले एड्स होती है ना वो रन होती भी सेल पर्पजेस के लिए ही है, ठीक है। इसके बाद देखें, ये एक ऑब्जेक्टिव है फॉर्म सबमिशन फॉर्म द वेबसाइट। ये जो है ना ये लीड जनरेशन की, जैसे हमने फेसबुक में लीड जनरेशन के एड्स रन करना सीखी भी थी, तो अगर आपने अपनी वेबसाइट पे आप चाहते हो कि आपकी एक फॉर्म शो हो, उसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन गैदर करो अपने जो है जो भी आपकी ऑडियंस है उससे, तो फिर आप यहाँ पे ये वाला ऑब्जेक्टिव चूज करोगे। और ये जो थर्ड है ये साइन अप का है, ठीक है। अब ये जैसे कुछ ब्रांड्स होते हैं, उन्होंने अपने न्यूज लेटर्स बनाए होते हैं और वो उन चाहते हैं कि लोग हमारे न्यूज लेटर्स को साइन अप करें, और फिर जब जो साइन अप करता है कोई भी उनके न्यूज लेटर को, तो उनके पास उनका डाटा चला जाता है। फिर जब उस डाटा के थ्रू वो उनको अपनी प्रमोशनल डाटा जो मतलब वो जो ईमेल वगैरह या उनको व्हाट्सएप का नंबर वगैरह मिल गया, तो उसके उस ईमेल एड्रेस पे या उस व्हाट्सएप नंबर पे वो उसको या वो लोग मेल कर सकते हैं अपना प्रमोशनल मटेरियल वगैरह, ठीक है, जो उनके न्यू कुछ भी प्रमोशंस आ रही हैं उन सबको वो उन्हें मेल कर सकते हैं।
और इसके बाद फोर्थ है पेज व्यू। अगर आप अपने किसी पेज वेबसाइट के पेज के ऊपर व्यूज इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपने पेज व्यू वाली ऑब्जेक्टिव को चूज कर लेना है। ठीक है, फिलहाल हम ये परचेज वाले को चूज कर रहे हैं क्योंकि अगर हम चाहते हैं ना कि हमारी वेबसाइट पे जो है ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आके कुछ ना कुछ बाय करें तो फिर हम ये परचेज वाला ऑब्जेक्टिव चूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपकी कैंपेन का आपने नेम रखना है, कुछ भी आप इस नेम को चेंज भी कर सकते हैं और ये नेम सेम ये भी रहने दे सकते हैं। ठीक है, और अगर फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखें और सेल्स, ठीक है, सेल्स आने के लिए हम डिस्प्ले कैंपेन बना रहे हैं तो हम इसका ये नेम सेव कर देते हैं। और इसके बाद हमने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, अब वो ये आपसे पूछ रहे हैं कि आप यहाँ से न्यू कैंपेन क्रिएट करना चाह रहे हैं या फिर जो हमने पहले ड्राफ्ट में बनाई हुई कैंपेन्स है उनमें से कोई कैंपेन को अभी आप उसको फिनिश करना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे स्टार्ट न्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, आप स्टूडेंट्स जब आप कंटिन्यू करेंगे ना तो ये कैंपेन सेटिंग्स आपके पास ओपन होंगी। यहाँ से आपने सबसे पहले तो हमने अपना कंट्री सेलेक्ट करना है, लोकेशन सेलेक्ट करनी है मेनली कि किस लोकेशन पे आप अपनी ऐड को रन करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो आ रहा है कि ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज के अपने सारे कंट्रीज में, दुनिया के सारे कंट्रीज में ऐड दिखानी है, या फिर आपका जैसे हमारा कंट्री पाकिस्तान है तो पाकिस्तान शो हो रहा है, या फिर आप यहाँ से एंटर अनदर लोकेशन पे क्लिक करके आप कुछ और लोकेशन जो है ना वो ऐड कर सकते हो। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम पूरे पाकिस्तान में ऐड रन करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट कर देंगे। अब देखिए आगे ना लोकेशन ऑप्शन आ रही है। अब यहाँ पे ना वो दो ऑप्शन हैं, एक तो ये है कि प्रेजेंस और इंटरेस्ट, यानी यहाँ पे वो लोग जो कि अब इस जो हमने लोकेशन सेलेक्ट किया ना वहाँ पे मौजूद हैं यहाँ, या फिर उस लोकेशन पे इंटरेस्ट ले रहे हैं, मींस कि वो जो गूगल पे क्यूरी सर्च करते हैं ना वो क्यूरीज उन क्यूरीज में वो पाकिस्तान के कुछ वेबसाइट को सर्च कर रहे हैं या पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ भी वो चीज़ सर्च कर रहे हैं गूगल में, तो वो वाले लोगों का डाटा जो है वो गूगल ने अपने पास कलेक्ट किया होता है। तो अगर तो हम चाहते हैं ना कि वो लोग जो कि पाकिस्तान में हैं या फिर वहाँ पे पाकिस्तान से के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं उन दोनों को ही हमारी ऐड शो हो तो फिर हम यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और सपोज करें कि आप ना आपका ई कॉमर्स का बिजनेस है और आप सिर्फ पाकिस्तान में ही आप फिलहाल डिलीवरी दे रहे हैं, आपकी जो डिलीवरी है वो आप आउट ऑफ कंट्री नहीं है। ठीक है, तो उस केस में अगर आप अपनी ऐड को यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके चलाओगे तो फिर तो आपकी ऐड पाकिस्तान के अलावा उन कंट्रीज में भी रन होगी, सॉरी उन लोगों को भी शो होगी जो कि पाकिस्तान में रहते नहीं है लेकिन वो पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ ब्लॉग्स वगैरह रीड करते हैं गूगल पे, या फिर वो गूगल पे कुछ भी पाकिस्तान से रिलेटेड सर्च करते हैं। ठीक है, तो फिर उन लोगों में से अगर किसी को भी ऐड शो हो और वो आपको ऑर्डर करें आपकी ऐड देख कर, तो आप लोग तो शिपिंग नहीं दे रहे ना, तो फिर तो आप उस ऑर्डर को आप कैसे कम्प्लीट कर सकते हो। तो इसलिए वो केस जिसमें कि आप शिपिंग सिर्फ अपने कंट्री में दे रहे हैं उसमें आपने ये प्रेजेंस वाले जो वाले को इंक्लूड करना है कि वो लोग जो कि आपके कंट्री में रहते हैं, या फिर अगर आपके कंट्री में नहीं रहते किसी और में रहते हैं तो रेगुलरली मतलब उनकी अगर कोई फॉर एग्जाम्पल किसी और कंट्री से बिलोंग करता है लेकिन वो रहे पाकिस्तान में रहा है तो उसको फिर आपकी ऐड शो होगी। देखेंगे लिखा होगा पीपल इन और रेगुलरली इन योर इंक्लूडेड लोकेशन, इसका मतलब कि वो या तो आपके मुल्क में रहते हैं यानी उनके पास नेशनैलिटी है पाकिस्तान की, या फिर वो आपके मुल्क में रहते नहीं है लेकिन वो रेगुलरली मौजूद होते हैं अपने किसी जॉब पर्पज के लिए या स्टडी पर्पज के लिए आपके कंट्री में रहते हैं। ठीक है, तो फिर उन लोगों का आपकी ऐड शो हो। और जो ऊपर वाला था उसमें ये था कि वो पीपल इन यानी वो लोग जो कि रहते हैं कंट्री में, या फिर रेगुलरली इन यानी या फिर वो रेगुलरली आपके कंट्री में किसी पर्पस स्पेसिफिक पर्पस के लिए रह रहे हैं, यानी या तो उनके पास नेशनलिटी है या किसी और स्पेसिफिक पर्पस के लिए वो आपके मुल्क में रेगुलरली रह रहे हैं, या फिर वो हैव शोन इंटरेस्ट इन योर इंक्लूडेड लोकेशंस, यानी जो जो आपने अपने लोकेशंस इंक्लूड किए हैं उन लोकेशंस में उन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया, उन सबको आपकी ऐड शो। अब आपने अपना ना ये देखना है कि आपने जो ऐड शो करनी है उसका पर्पस क्या है और वो किस ऑडियंस को शो करनी है आपने। ठीक है, वो देख के आपने सिलेक्ट करना है। और सपोज करें कि अगर आपका रियल एस्टेट का किसी का बिजनेस है, ठीक है, तो अब उसने अगर अपनी इस्लामाबाद में सपोज करें वो अपार्टमेंट सेल आउट कर रहे हैं तो अब क्या होगा कि इस्लामाबाद में अगर वो कर रहे हैं सेल तो जरूरी नहीं कि जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं जस्ट वो ही इस्लामाबाद में जो अपार्टमेंट है वो परचेज करना चाहें, जो
किसी और कंट्री में भी कोई रहता है पाकिस्तानी अगर, तो वो भी हो सकता है कि परचेज करना चाह रहा हो या देखना चाह रहा हो विजिट उस चीज को, तो उसके लिए फिर आप ये वाली जो है ना ये ऑब्जेक्टिव चूज कर सकते हैं रियल स्टेट के लेकर, वो लोग जो कि आपके एरिया में रहते हैं या फिर वो इंटरेस्टेड भी हैं। फॉर एग्जांपल इसमें आप कंट्री का नाम भी देखें, अगर फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद में वो अपार्टमेंट सेल कर रहे हैं और आपने यहाँ पे एड में, यहाँ पे हमने लोकेशन जो है इस्लामाबाद ही लिख दी है कि मैं इस्लामाबाद में। अच्छा अब आपने कहा कि मैं इस्लामाबाद में अपनी एड शो करवाना चाहता हूँ, लेकिन उन लोगों को शो करवाया जो कि इस्लामाबाद में रहते हैं या फिर वो रेगुलरली इस्लामाबाद में मतलब वो लोग मतलब वहाँ के रहने वाले नहीं है लेकिन वो किसी जॉब पर्पज के लिए या स्टडी पर्पज के लिए वहाँ पे हैं रेगुलरली, ठीक है, या फिर वो इंटरेस्ट ले रहे हैं इस्लामाबाद में। अब कोई और सिटी में कोई बैठा शख्स है तो वो भी इस्लामाबाद में अपार्टमेंट लेना चाहता होगा, तो हो सकता है कि वो भी आपकी एड देखे तो वो भी कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो इस केस में आप फिर ये वाला जो है ना ऑब्जेक्टिव यहाँ से ही चूज कर सकते हो। तो इन दोनों में से आपने चूज कर लेना है कि हमने कौन से वाले को दिखाना है। अब हम लोग सपोज कर रहे हैं कि हम ना पोलो शर्ट की वेबसाइट है हमारी और हम पोलो शर्ट सेल आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम पूरे पाकिस्तान में सेल करेंगे, ठीक है। अब देखिए और वो लोग जो कि पाकिस्तान में हैं या फिर रेगुलरली पाकिस्तान के मतलब उनके पास नेशनैलिटी है या फिर वो रेगुलरली यहाँ पे रहते हैं, उनको एड शो करवाना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने लैंग्वेजेस में से लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है जो आपके ऑडियंस की लैंग्वेज है, ठीक है। तो अगर तो आप यहाँ पे ऑल लैंग्वेजेस पहले से सिलेक्टेड है, अगर आप ऑल लैंग्वेजेस वालों लोग मतलब सब लैंग्वेजेस बोलने वालों को नहीं दिखाना चाहते, किसी स्पेसिफिक ऑडियंस को ही दिखाना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल जो जस्ट उर्दू बोलते हैं या फिर जस्ट इंग्लिश बोलते हैं उनको, लेकिन जब हम अपनी जो है ना एड की वो देखेंगे कि हम अपनी एड जो है कहाँ पे शो करवाना चाह रहे हैं, उसका पर्पस क्या है। अब हमने पोलो शर्ट सेल आउट करनी है, हमें पूरे पाकिस्तान में सेल करनी है और चाहे लोग कुछ कोई भी जुबान बोल रहे हैं उर्दू पंजाबी या सिंधी बलोची कुछ भी बोल रहे हैं, उन सबको हम अपनी एड शो करवा के अपनी पोलो शर्ट सेल आउट कर सकते हैं ना, तो फिर हम यहाँ पे लैंग्वेजेस को फिल्टर आउट क्यों करें, हमें सारी लैंग्वेज के लोगों को दिखानी चाहिए, ठीक है। और अगर कोई ऐसा और एड है जिसमें आपको स्पेसिफिक लैंग्वेज के लोगों को दिखानी है तो फिर आप उस केस में यहाँ पे वो लैंग्वेज सर्च आउट करके तो उस पर क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल हम ऑल लैंग्वेजेस पे ही इसको रहने देंगे, ओके। उसके बाद अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर ऊपर वाले जितने भी मैंने ऑप्शंस आपको बताई हैं इनमें से कोई प्रॉब्लम है ना तो जल्दी से पूछने में वो रिपीट करती हूँ, आपको क्लियर है? अगर कोई भी आपको ऊपर से कुछ समझ नहीं आया ना तो आप दोबारा पूछने में आपको रिपीट कर देती हूँ। अच्छा इसके बाद देखेंगे हमारे पास ना एड रोटेशन के ऑप्शन है। एड रोटेशन जैसे कि इसके नाम से शो हो रहा है कि अगर जैसे हम फेसबुक में बनाते थे ना कि एक एड सेट के अंदर एक से ज्यादा एड कॉपीज हम बना सकते थे, ठीक है, तो उसमें ये होता था कि अगर जो डिफरेंट ऑडियंस को डिफरेंट एड कॉपीज शो करता था फेसबुक और उनमें से जो सी बेस्ट अच्छे रिजल्ट्स उसे दे रही होती थी वो वाली को फिर आगे कंटिन्यू करता था बाकी लोगों को दिखाना, और जो अच्छे रिजल्ट्स नहीं देती थी वो आगे लोगों को नहीं दिखाता था। इसी तरह से हमारे जो गूगल एड्स है ना इसमें भी ना एक ना एड सेट को कहते हैं एड ग्रुप, ठीक है, एक एड ग्रुप के अंदर एक से ज्यादा एड्स होते हैं। ये जो हम पहले फेसबुक में भी एड्स बनाते थे ना जिसमें हम अपने इमेज डालते थे और हेडलाइंस और प्राइमरी टेक्स्ट वगैरह सब कुछ डालते थे, उसी तरह से यहाँ पे गूगल एड्स में भी एड लेवल होता है, यहाँ पे हम अपने इमेजेस हेडलाइंस प्राइमरी टेक्स्ट उसके डिस्क्रिप्शन वगैरह डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक एड ग्रुप में एक से ज्यादा एड्स बना सकते हैं हम, ठीक है। तो उसके अगर तो हमने एक एड ग्रुप के अंदर एक से ज्यादा एड्स बनाई हैं तो फिर हम यहाँ पे अगर तो एड रोटेशन को ऑन, यहाँ पे एड रोटेशन में टू ऑप्शंस होती है बेसिकली, ठीक है, ये देखिए मैं इसको एडिट कर पे क्लिक करती हूँ, अब आपको ये दोनों ऑप्शंस शो हो रही हैं, एक है ऑप्टिमाइज और दूसरा है डू नॉट ऑप्टिमाइज, ठीक है। जब अगर तो हम ऑप्टिमाइज करेंगे तो ये क्या करेगा, बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स को प्रेफर करेगा कि वो दिखाएगा, यानी कि अगर हमने एक एड में एक से ज्यादा एड्स एक एड ग्रुप में एक से ज्यादा एड्स बनाई हुई है तो वो वाली एड जो ज्यादा अच्छा रिजल्ट ला के दे रही है आपको, ज्यादा अच्छे ज्यादा सस्ती पड़ रही है वो वाली एड को वो ज्यादा लोगों को शो करवाएगा। और अगर हमने डू नॉट ऑप्टिमाइज पे क्लिक किया हुआ है तो इस केस में क्या होगा कि
एड्स को वो ये नहीं देखेगा कि कौन सी एड ज्यादा अच्छा रिजल्ट ला के दे रही है, वो हर एक जितनी भी आपने एड्स बनाई हैं उनको रोटेट करेगा, यानी बारी बारी वो सारी मतलब एक ऑडियंस को वो एक एड दिखाएगा, फिर दूसरी को दूसरी, मतलब वो रोटेट करता रहेगा विदाउट ये देखे कि कौन सी वाली एड जो है वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है, ठीक है। तो अगर तो सपोज करें कि आपके पास एक ही एड ग्रुप है और उसके अंदर मल्टीपल एड्स आपने बनाया हुआ है ना, तो फिर आप ये वाला जो है ना ऑप्टिमाइज वाला ऑप्शन ऑन कर दें, तो इसमें वो जो बेस्ट परफॉर्म कर रहा है आपके पास एड वो वाला शो कर देगा, आप करेगा गूगल ज्यादा लोगों को, ठीक है। और अगर तो सपोज करें हमने जैसे हम फेसबुक में एक से ज्यादा एड सेट्स बनाते थे और हर एड सेट में अलग अलग एड्स बनाई होती थी, अगर आपके पास ये केस है गूगल एड में भी कि आपने एक से ज्यादा एड ग्रुप्स बनाए हुए हैं और हर एक एड ग्रुप में आपने फिर अलग अलग एड्स बनाई हैं, तो फिर उस केस में आपने ये ऑप्टिमाइज वाला ऑप्शन जो है ना ये ऑन नहीं करना, उसमें ऑन इस वजह से नहीं करना क्योंकि ना मैंने अब कल जैसे आपको ना कीवर्ड रिसर्च सिखाई थी और इसकी कीवर्ड्स जो हमने यहाँ पे एड ग्रुप के अंदर अपने डालने होते हैं उनकी ना इम्पोर्टेंस भी बताई थी कि जो हम कीवर्ड्स डालते हैं वो उनकी वजह जो लोग उन कीवर्ड से कुछ भी गूगल पे सर्च कर रहे हैं तो उनको हमारी एड्स शो होती हैं, ठीक है। तो अगर हम हर एक एड ग्रुप के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो है ना कीवर्ड्स डालते हैं, अगर तो हम यहाँ पे इसको ये ऑन कर देंगे ना उस केस में जब हमने एक से ज्यादा एड ग्रुप्स बनाए हुए हैं, और उस सूरत में हम अगर ऑन कर देंगे ऑप्टिमाइज, तो अब यहाँ पे गूगल क्या करेगा कि दोनों एड ग्रुप्स में से जो सी एड कॉपी ने ज्यादा अच्छा वर्क किया ना सिर्फ उसी को ही दिखाएगा और दूसरी वाली को दिखाएगा ही नहीं, और फिर हमारे पास डाटा ही नहीं आता उन जो जो उनसे कीवर्ड्स हमने दूसरे एड ग्रुप में डाले थे ना उन कीवर्ड्स का डाटा नहीं आता हमें। बेसिकली स्टार्टिंग में हम टेस्ट कर रहे होते हैं कि कौन से कीवर्ड से हमें ज्यादा सेल्स आई है, कौन से कीवर्ड्स टारगेट करने से हमें कौन ज्यादा सेल्स आई है और ज्यादा सस्ती भी सेल्स आई है, तो हमने शुरू में डाटा गैदर करना होता है। तो शुरू में इसलिए हमने अगर एक से ज्यादा एड ग्रुप्स बनाया ना तो हमने ऑप्टिमाइज नहीं करना यहाँ पे, उस हमने एड को रोटेट करने देना है यहाँ पे ताकि दोनों जितने भी हमारे एड ग्रुप्स हैं हर एक एड ग्रुप की एड कॉपी जो है वो ऑडियंस को शो हो और हर एक एड ग्रुप के हर कीवर्ड का हमारे पास डाटा है कि इस कीवर्ड के क्रॉस हमें यहाँ कितनी सेल्स आई है और कितने रुपए की हर एक कीवर्ड के अक्रॉस सेल आई है, ठीक है, ताकि हम नेक्स्ट टाइम जो उनसे कीवर्ड से हमें सस्ती मतलब कम पैसों में हमें सेल्स उसने ज्यादा सेल्स ला दी है जो उनसे कीवर्ड ने, हम नेक्स्ट टाइम अपने एड में वो वाले कीवर्ड्स को यूज करें। तो हमने शुरू में ना मतलब टेस्टिंग कर रहे होते हैं तो इसलिए फिर स्टार्टिंग में अगर एक से ज्यादा आपके एड ग्रुप्स हैं तो आपने कभी भी इसको ऑप्टिमाइज नहीं करना। अच्छा इसके बाद ना हमने अच्छा अब जब हम एक चीज को सिलेक्ट कर लेते हैं ना उसके बाद ये मोर सेटिंग वाला बटन इस पे क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट ऑप्शंस भी शो हो जाएंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने एड स्केड्यूलिंग पे क्लिक करना है, जैसे हम फेसबुक में अपनी एड को शेड्यूल करते थे कि हमारी एड किन किन डेज में शो हो और किन किन टाइमिंग्स में शो हो, वैसे ही हम यहाँ पे गूगल में भी अपनी ऐड को शेड्यूल कर सकते हैं, ठीक है। अगर तो आप चाहते हैं कि रोज ही आपके ऐड शो हो तो ऑल डे को ही सिलेक्ट रहने दें, और अगर आप ये चाहते हैं कि स्पेसिफिक डेज में आपकी और स्पेसिफिक टाइमिंग्स में शो हो तो फिर आप यहाँ से स्पेसिफिक डेज वो ऐड कर सकते हैं। सपोज जैसे हम अगर फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं कि हमारे ऐड मंडे से फ्राइडे तक जो है वो रोज शो हो और इसके अलावा जो है ना सैटरडे संडे को, अच्छा अगर हम चाहते हैं कि मंडे टू फ्राइडे हमारी एड जो है ना वो नाइट टाइमिंग्स में शो हो, मींस के शाम के टाइम लोग अपने घर पे होते हैं वो ज्यादा ज्यादातर सोशल मीडिया यूज कर रहे होते हैं, उस टाइम अगर उन्हें एड शो होगी तो ज्यादा कन्वर्ट होने के चांसेस हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी एड शाम के टाइम शो हो लोगों को, ठीक है, तो फिर आपने यहाँ से वो शाम की टाइमिंग सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। हम चाहते हैं शाम को 6 बजे हमारी एड शो होना शुरू हो जाए और रात के 12 बजे तक शो हो, तो ये हम मंडे से फ्राइडे की टाइमिंग कर लेते हैं, और सैटरडे संडे को हम चाहते हैं कि पूरा दिन ही शो हो क्योंकि सैटरडे संडे मोस्टली लोगों का वीकेंड को ऑफ होता है तो पूरा दिन में वो ज्यादातर तो सोशल मीडिया यूज करते रहते हैं। तो इस तरह से आप एड शेड्यूलिंग कर सकते हैं, और स्टार्टिंग में अगर आप अपने एड रन कर रहे हैं ना तो आपको एड शेड्यूल करने की जरूरत नहीं है उसमें, फिर आप ऑल डेज पे ही रखें। उसकी रीजन ये है कि फिर अब हम शुरू में हम टेस्टिंग करना कर रहे होते हैं कि 3 आवर्स में हमारे पास ज्यादा सेल आ रही है, 3 आवर्स में ज्यादातर जो कस्टमर्स हैं वो हमारी वेबसाइट विजिट करके उस पर ज्यादा ऑर्डर कर रहे हैं, तो फिर हम शुरू में जो है ना ऑल डेज पे सिलेक्ट ही रहने दें और टाइम भी पूरे पूरा दिन का ही रहने दें। फिर जब हमारे पास डाटा आ जाए कुछ दिन एड रन होने के बाद फिर हम देखें कि 3 डेज में हमें ज्यादा सेल आ रही है और 3 आवर्स में, तो फिर हम इसको यहाँ पे ऑप्टिमाइज करके वो वाले डेज और वो वाले जो स्पेसिफिक आवर्स हैं वो हम अपने शेड्यूल कर सकते हैं, ठीक है।
ओके, इसके बाद मोर सेटिंग में फिर जाएंगे और यहाँ पे ना हम डिवाइसेस सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमारी ऐड किन डिवाइसेस पे शो हो। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ऐड कंप्यूटर पे भी शो हो जाए लोगों को, मोबाइल फोन्स पे भी शो हो, टैबलेट्स पे भी शो करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे टैबलेट्स को भी सिलेक्ट कर दें, अदरवाइज टैबलेट्स को भी अनसेलेक्ट कर दें। ठीक है, जो जिस चीज़ पे आप अपनी ऐड शो करवाना चाहते हो उसको सिलेक्ट करेंगे और जिस पे नहीं शो करवाने उसको अनसेलेक्ट। अब शुरू में हमारे पास इतना बजट नहीं होता तो हम फिर जस्ट कंप्यूटर और मोबाइल फोन पे ही सिलेक्ट करके इन पे ही रन करवा लेते हैं। जब बाद में एक मरतबा हमारे अच्छी सेल्स आ जाती हैं, फिर उसके बाद हमारे पास जो है इतना बजट आ जाता है कि हम लोग हर एक डिवाइस पे शो करवा लें, तो फिर हम टेबलेट पे भी शो करवा लेंगे। ठीक है, इसके बाद आप ऑपरेटिंग सिस्टम भी यहाँ से चूज कर सकते हो कि किन ऑपरेटिंग सिस्टम से आपने अपनी ऐड को शो करवाना है। ठीक है, एंड्रॉयड पे, ब्लैकबेरी, विंडो फोन्स, इन सब में से जिन पे आप शो करवाना चाहते हो ना, आप उनको कर लें सिलेक्ट और बाकियों को अनसिलेक्ट ही रहने दें। ठीक है, यहाँ से आप कोई भी मॉडल वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे इसको रहने दें, प्लीज हर मॉडल पे शो करवा देगा। इसके अलावा नेटवर्क्स जो है, इसमें आप ये बताना है कि जो लोग वाईफाई यूज कर रहे हैं उनको ऐड शो हो, या फिर जो लोग मोबाइल डाटा यूज कर रहे हैं जैसे जोन, क्यूफोन या टेलीफोन ऐड वगैरह, तो उनको ऐड शो हो। तो अगर तो आप दोनों पे करवाना चाहते हैं तो दोनों को ऑन कर दें। ठीक है, क्योंकि मोस्टली लोग वाईफाई भी यूज कर रहे हैं, मोबाइल डाटा भी यूज कर रहे होते हैं, तो इसलिए बेस्ट बेहतर यही है कि आप दोनों पे ही करवा दें। इसके बाद आपने कैंपेन यूआरएल ऑप्शन दे, ये ना मेरी क्लास का टाइम जस्ट अब ना 2 मिनट्स रह गया, ये थोड़ा सा डिटेल में करके दिखाना पड़ेगा, तो जैसे ही मैं नेक्स्ट लिंक आपको सेंड करूंगी ना उसमें ये मैं आपको करके दिखा दूंगी। उतनी देर तक ये जो है ना ये शॉर्ट वाली चीजें हम वो सपोज करें आपने जो अपनी ऐड बनाई हुई है ना उसके अंदर आपने कुछ इमेजेस ऐड किए हुए हैं। ठीक है, अब या फिर फॉर एग्जांपल आपकी जो वेबसाइट पे भी कुछ इमेजेस हैं, अब जो डायनेमिक ऐड है ना इसके अंदर जो जो आपकी वेबसाइट का डाटा ना बेसिकली वो यूज हो रहा होता है कि आपकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर जब जो ये देखते हैं गूगल, ये देखता है कि जो कस्टमर आए हैं उन्होंने आपकी वेबसाइट पे कौन से पेजेस को विजिट किया और कौन सी उन्होंने आइटम्स को लाइक किया या उनको ऐड टू कार्ट किया लेकिन उनको उन्होंने परचेज नहीं किया। ठीक है, अब वो वाला डाटा जब उनके पास गूगल के पास स्टोर होता है तो फिर जब वो ऐड गूगल शो करता ने शो करवानी होती है, तो गूगल क्या करता है कि इस ऐड को खुद से ही मतलब जिन लोगों ने जो उनसे टाइप के पेज को देखा और जो उनसे टाइप के प्रोडक्ट्स को उन्होंने ऐड टू कार्ट किया या फिर उन्होंने उनको लाइक किया ना, तो जब गूगल उनको नेक्स्ट टाइम ऐड शो करवानी है तो उन लोगों को वो वाले प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स शो करवाएगा ऐड में जो उनसे प्रोडक्ट्स उन्होंने लाइक की या फिर उनको ऐड टू कार्ट किया बट उन्होंने परचेज नहीं किया। ये ना बेसिकली रीमार्केटिंग के लिए यूज होता है, मतलब आपने अपनी प्रोडक्ट को जिन लोगों ने मतलब देख लिया उनको दोबारा से हमें रीमार्केटिंग करनी है कि उनको वो याद करवाएं कि आपने ये चीज देखी थी लेकिन आपने तब बाय नहीं किया। हो सकता है तब वो लोग बिजी हो या कोई ऐसा कोई भी प्रॉब्लम हो कि उस टाइम के पास इतने पैसे ना हो कि उन्होंने लाइक किया लेकिन उसको परचेज कर सके, बाद में आप उनको याद करवा दें तब वो उसको परचेज कर लें। ठीक है, तो उसके लिए डायनेमिक एड्स वाला ऑप्शन यूज होता है, लेकिन ये एक मतलब ऐड रन करने के बाद उस डाटा आ जाए वेबसाइट पे उसके बाद केवल आप ऐड रन। अब देखें स्टूडेंट्स, हम कैंपेन यूआरएल ऑप्शंस बेसिकली देख रहे हैं इसको, यहाँ पे हम अपनी कैंपेन का जो यूआरएल है ना वो हम खुद से जनरेट करवाते हैं और फिर जब कोई भी हमारी वेबसाइट के ऊपर हमारी ऐड में मौजूद बटन पे क्लिक करके हमारी वेबसाइट के किसी स्पेसिफिक पेज पे लैंड करता है तो उसे हमारा उस वेबसाइट का जो पेज का यूआरएल है वो शो नहीं होता, बेसिकली उसे यहाँ पे हमारा वो वाला यूआरएल शो होगा जो हम यहाँ खुद से जनरेट करवाएंगे कैंपेन करेंगे कैंपेन का। ठीक है, तो इस ये जनरेट करने का फायदा क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले हम ये जनरेट करते हैं फिर आपको इसका फायदा समझ आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपने इसको जनरेट करने के लिए हमने क्या करना है, आपने गूगल पे जाना है और गूगल पे लिखना है यूटीएम पैरामीटर बिल्डर। ठीक है, ये वेबसाइट ये आपने सर्च आउट करना है और फिर आपको ये वेबसाइट शो होगी utmbuilder.net। ठीक है, इस वेबसाइट पे आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी वेबसाइट का एड्रेस देना है जो उसी वेबसाइट पे आप ट्रैफिक लेके जाना चाह रहे हो जिस पे आप सेल्स जनरेट करना चाहते हो। ठीक है, अगर तो आपकी ई कॉमर्स की वेबसाइट है और आप उस ई कॉमर्स की वेबसाइट के ऊपर अपनी ऑडियंस को लेके लैंड करवाना चाहते हैं ताकि सेल्स इंक्रीज हो तो आप वो लिखे यहाँ पे उसका एड्रेस देंगे। और अगर आपके पास फिलहाल कोई वेबसाइट नहीं है, आप जस्ट प्रैक्टिस पर्पज के लिए काम कर रहे हो तो फिर आप, ठीक है, ये हमने example.com के पोलो शर्ट्स के पेज का एड्रेस हमने यहाँ पे डाल दिया।
अब उसके बाद आपने यूटीएम सोर्स के अंदर आपने ये लिखना है कि आप बेसिकली ये जो अपना कैंपेन का जो यूआरएल बना रहे हो ये कहाँ पे यूज करोगे, ठीक है। तो आपने गूगल एड्स में यूज करना है तो इसको आप गूगल में लिखो, गूगल लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मीडियम में हमने लिखना है कि किस मीडियम पे यूज होगा, तो बेसिकली ये सोशल मीडिया में मार्केटिंग में यूज हो रहा है तो सोशल लिखते हैं। और अगर आपकी कैंपेन जो है वो किस कौन सी टाइप की कैंपेन है, प्रमोशन के लिए या फिर सेल्स के लिए, ठीक है। अगर तो आप सेल्स इंक्रीज करने के लिए चला रहे हो तो आप यहाँ पे सेल्स लिखोगे, ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पे कोई भी यूटीएम कंटेंट में कोई भी आप कॉल टू एक्शन या कोई भी हेडलाइन डाल सकते हो जिससे आपका जो कि आपके ऑडियंस को शो होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे बाय पोलो शर्ट, ठीक है। तो जब उसको ये लाइन शो अपने जो जिस भी पेज पे वो लैंड कर रहा है उसके यूआरएल में से ये लाइन शो होगी तो उससे पता चल जाएगा कि मैं बेसिकली यहाँ पे मतलब बाय पोलो शर्ट्स बाय करने के लिए ही आया हूँ, ठीक है। तो ये एक रिमाइंडर है बेसिकली। उसके बाद यहाँ पे आप यूटीएम टर्म कुछ भी आप लिख सकते हो, कोई भी कीवर्ड यहाँ पे आप लिख लो, पोलो शर्ट लिख दो जस्ट, ठीक है। अब ये आपने जो इसको इन्फॉर्मेशन दी उस इन्फॉर्मेशन की बेस पे इसने नीचे एक यूटीएम ट्रैफिकिंग यूआरएल बना दिया है, मतलब ये वाला यूआरएल इसने हमें बना के दिया है। इसके अंदर देखें ये वाला इसके अंदर यूटीएम सोर्स में गूगल शो हो रहा है, यूटीएम मीडियम में सोशल, ठीक है, और यूटीएम कैंपेन सेल्स की कैंपेन शो हो रही है, और यहाँ पे कॉन्टेंट क्या लिखा बाय पोलो शर्ट शो हो रहा है, ठीक है। ये वाला हम कॉपी करके हम या तो इसको बेसिकली हम यहाँ से सिलेक्ट करके कॉपी करने की जरूरत नहीं, हम कॉपी यूआरएल पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से कॉपी करने के बाद इसे यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, ठीक। तो ये अगर हम फॉर एग्जांपल हम ये देते हैं कैंपेन का यूआरएल ऑप्शन तो भी कोई इसमें कोई मतलब जरूरी नहीं है कि हम ये दें, अगर हम ये ना भी दें तो भी हमारी कैंपेन जस्ट वैसे ही रन होगी। और फिर उसके बाद जो है ना रन होने के बाद क्या आपका जो लैंडिंग पेज है उस पर आपका जो वेबसाइट का पेज है उसका उसका एड्रेस ही शो होगा, तो उससे भी कोई इतना डिफरेंस नहीं क्रिएट होता। ये आपकी मर्जी है कि आप यहाँ पे चीजें ऐड करें या फिर आप इसको ऐसे ही खाली छोड़ दें। इसके बाद आप यहाँ पे अपनी स्टार्ट और एंडिंग डेट भी मेंशन कर सकते हैं। स्टार्टिंग डेट में आज की डेट मेंशन कर दें और एंडिंग डेट में आप थोड़े से जैसे 4-5 डेज के बाद की डेट मेंशन कर दें, ठीक है। उसके बाद आप कंटेंट एक्सक्लूजन है, ठीक है। एक्सक्लूजन में इसका मतलब कि आप कौन से वाले कंटेंट पे अपनी एड्स को शो नहीं करवाना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ना उन्होंने कुछ सेंसिटिव कंटेंट दिया हुआ है जैसे ट्रेजेडी और कॉन्फ्लिक्ट वाला कंटेंट जो है, सेंसिटिव सोशल इश्यूज का कंटेंट, ये सारे कंटेंट्स जो सेंसिटिव कंटेंट है ना उन सबको आपने सिलेक्ट कर देना है कि हम इन सब पे सेंसिटिव कंटेंट पे अपनी एड को शो नहीं करवाना चाहते, ठीक है। और यहाँ पे जो है कंटेंट सूटेबल फॉर फैमिलीज ये हम रहने देंगे इस, और टीन एंड ओल्ड ओल्डर ऑडियंस इनको भी रहने देंगे, मेच्योर ऑडियंस को भी रहने देंगे क्योंकि हम इनको ऐड शो करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो जिनको हम नहीं करवाना चाहते हमने बेसिकली इसको उनको करना है, ठीक, ताकि उनको हमारी ऐड शो ना हो, ठीक है। उसके बाद ये जो गेम वाला है ना ये तो पहले इसमें था लेकिन मतलब इन्होंने गूगल ने इसको इनएक्टिव किया हुआ है, आप इसको सिलेक्ट नहीं कर सकते फिलहाल। तो इसके बाद है लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब वीडियोस, यानी जो यूट्यूब के ऊपर लाइव स्ट्रीम वीडियोस हैं उनके अंदर अगर आप अपनी ऐड को शो नहीं करवाना चाहते तो इसको सिलेक्ट कर दें, और अगर आप शो करवाना चाहते हैं तो इसको अनसिलेक्ट करने दें, ठीक है। और एम्बेडेड यूट्यूब वीडियोस क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कुछ वेबसाइट्स होती हैं, जैसे अगर कुछ वेबसाइट्स हैं उनके अंदर आपकी वीडियो साइड पे शो हो तो कोई भी यूट्यूब वीडियो जो है ना आपकी उस वेबसाइट के साइड पे शो हो रही होती है तो उसको एम्बेडेड यूट्यूब वीडियो कहते हैं, ठीक है। तो अगर तो आप उन वीडियोस में भी शो करवाना चाहते हैं तो इसको ब्लैंक रहने दें, अगर नहीं करवाना चाहते तो इसको ऑन कर इस पे टिक मार्क कर दें, ठीक है। बिलो द फोल्ड का मतलब कि अगर हाफ पेज से नीचे, मतलब अगर कोई आप कोई भी वीडियो है वो किसी भी जगह पे हाफ पेज से जैसे यूट्यूब के ऊपर हाफ पेज हम स्क्रॉल अप कर लेते हैं, स्क्रॉल अप कर लेते हैं काफी ज्यादा नीचे जाकर जो वीडियोज आ रही हैं उन पे हम शो नहीं करवाना चाहते तो फिर ये बिलो द फोल्ड पे आप टिक कर देंगे, ठीक है। अब जो मेन्स होता है कि जब हमने कोई भी वेबसाइट बनानी होती है ना हम उसका जो यूआरएल है ना वो हम पहले परचेज करते हैं, ठीक है। और उस यूआरएल को परचेज करने के बाद उस यूआरएल पे वेबसाइट बनाई जाती है तो उस यूआरएल को बेसिकली डोमेन कहते हैं। और अगर हमने किसी ने वो यूआरएल परचेज कर लिया हुआ है लेकिन उसके अभी उसके ऊपर उन्होंने वेबसाइट ही नहीं बनाई तो हम उन यूआरएल्स को भी ट्रिगर कर दे
हमारी ऐड, तो फिर उसके ऊपर हमारा बजट ही वेस्ट होगा। तो फिर हम उसको यहाँ पार्क वीडियोस को जो है ना कर देंगे ऑन के, इसके ऊपर हमारा हमें नहीं शो करवाने पार्क को, तो मेज में हमें अपनी ऐड शो नहीं करवानी, ठीक है? क्योंकि उनके ऊपर तो अभी वेबसाइट बनी नहीं हुई, तो उनको मतलब कोई भी शख्स अगर उन डोमेन्स को सर्च कर रहा है तो उसको हमारी ऐड शो ना हो, ठीक? यहाँ पे आपने अपना बजट देना है, ठीक है? बजट में आपने बेसिकली, अगर आपने सेल्स की कैंपेन रन करनी है ना, तो अगर हम एक फॉर एग्जाम्पल 1 वीक के लिए रन कर रहे हैं ना, तो उसके लिए आपको बजट ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि सेल्स कैंपेन थोड़ी सी महंगी होती है। एक सेल के ज्यादा पैसे लेता है आपसे गूगल। तो आप एक सेल कैंपेन अगर 1 वीक के लिए आप चला रहे हो, तो कम से कम आप 10,000 उसके लिए असाइन करोगे, ठीक है? तो ये 10th, अगर तो आपने जब अपना जो गूगल का एड अकाउंट बनाया था ना, तब आपने करेंसी पाकिस्तानी पीकेआर सर्च लिखी थी, पीकेआर सेलेक्ट की थी ना, तो आपको यहाँ पे पीकेआर शो होगा। और अगर आपने फॉर एग्जांपल गलती से वहाँ पे करेंसी भूल गए पीकेआर में सेलेक्ट करना और US डॉलर में ही रहने देना, तो अब वो आपको US डॉलर में ही शो होगी, और फिर आप इसको चेंज नहीं कर सकते, तो आपने US डॉलर में ही एंटर करनी होगी, ठीक है? तो बेसिकली मैं भूल गई थी, तो मेरी US डॉलर में ही सिलेक्टेड है, तो अब मुझे यहाँ पे डॉलर में ही देना होगा। तो हमने जो 10,000 है ना, वो $35 के इक्वल होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 35 सिलेक्ट कर दिया, ठीक है? अच्छा, इसके बाद बिडिंग है। बिडिंग स्ट्रेटेजीज में हमने सेलेक्ट करना है कि हम बिडिंग बेसिकली क्या होता है, ये मैंने आपको पहले बताया था कि हमने बताना होता है कि हम कितने पैसे कन्वर्जन के देंगे, ठीक है? तो अगर तो कोई ज्यादा पैसे दे रहा है, तो फेसबुक उसकी जो है ना, उसको ज्यादा कन्वर्जन ला के देगा उसकी, और कम अगर कोई कम दे रहा है तो उसको कम ला के देगा। लेकिन मैंने बताया था कि एड क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है, अगर आपकी एड क्वालिटी अच्छी नहीं है और आप पैसे ज्यादा भी दे रहे हो, तो आपको ज्यादा कन्वर्जन नहीं मिल सकती, ठीक है? तो अब यहाँ पे बिडिंग में ना कुछ स्ट्रेटेजीज होते हैं। अब ये कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज हैं, ये मैं आपको एक मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ आपसे। स्ट्रेटेजी है ना, ये है टारगेट सीपीए। सीपीए मींस कॉस्ट पर एक्यूजेशन, ठीक है? कॉस्ट एक्यूजेशन का मतलब होता है कॉस्ट पर एक्शन या कॉस्ट पर एक्यूजेशन, ठीक है? एक्यूजेशन का मतलब कन्वर्जन, ठीक है? मतलब एक कन्वर्जन लाने के लिए आपको कितने पैसे देने हैं। तो अगर आप टारगेट सीपीए पे क्लिक करते हैं ना, तो ये आपको हमने को जो है ना हेल्प आउट करता है कि आप जितनी ज्यादा पॉसिबल कन्वर्जियंस है ना, आपको वो ला के देगा, जितने आपने पैसे उसको एक कन्वर्जियन के पैसे दिए, मतलब आपने जो टोटल पैसे बजट दिए लगाया है, उस बजट में जितनी ज्यादा टोटल पॉसिबल कन्वर्जियंस है ना, वो ये आपको ला के देगा। अच्छा, और जो टारगेट ROAS है, ROAS स्टैंड फॉर रिटर्न ऑन एड स्पेंड, यानी आपने जितना भी एड के ऊपर स्पेंड किया हुआ है, यानी जितने आपने टोटल पैसे लगाए हुए हैं ना, उसके अंदर मैक्सिमम कन्वर्जन वैल्यू आपको ला के देगा। यानी जो पहले वाला था एक्विजिशन का मतलब था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन ला के देगा, यानी मैक्सिमम तादाद जो है ना सेल्स की वो ज्यादा हो गई, यानी कि आप फॉर एग्जाम्पल जो आपने टोटल बजट दिया उसको, उसमें अगर वो ज्यादा 20 कन्वर्जन ज्यादा से ज्यादा आपको ला के दे सकता, तो वो 20 आपको ला देगा। लेकिन उसमें उस कन्वर्जन की जो वैल्यू है, मतलब कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक सेल आपको आई, वो एक सेल ही 100 100, एक सेल 100 रुपए की चीज की आई, ठीक है? और अगर 20 सेल्स उसने ला दी, और सारी 20 सेल्स जो है 100 या 50 रुपए की चीजों की ही आई है, और फॉर एग्जाम्पल अगर हम यानी उसने आपको जो तादाद है सेल्स की वो तो बढ़ा दी, लेकिन उन हर एक जो सेल है, उस सेल के अंदर जो कितने रुपए की सेल हो रही है बेसिकली, वो इंक्रीज नहीं हुआ। वो चाहे बहुत कम हो, 50 की या 100 की चीज भी बेच रही, लेकिन अगर हम रिटर्न ऑन एड स्पेंड करते हैं ना, इसमें रिटर्न जो आपको मिल रहा है ना, आपने जो एड के ऊपर स्पेंड किया, उसके नतीजे में आपको ये रिटर्न ज्यादा ला के देगा। मीन्स के सेल्स की तादाद चाहे इंक्रीज ना हो, चाहे 2 सेल्स ही आए और वो 2 सेल्स जो है 5 5 हजार के आ जाए, तो आपको वो 2 से या फिर 10 10 हजार की 2 सेल्स आ गई, तो वो 2 सेल्स उन 20 सेल्स से तो बेहतर हुई ना, जिन जिनसे हमें जो टोटल अमाउंट जो प्रॉफिट है वो बहुत कम मिला, ठीक है? तो कॉस्ट पर एक्विजिशन में बेसिकली वो आपको ज्यादा तादाद में सेल्स ला के देता है, और रिटर्न ऑन एड स्पेंड में ज्यादा तादाद मतलब या फिर रिटर्न ज्यादा ला के देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 1,000 रुपीज लगाए हैं, और हम तो हम वो हमें उन 1,000 रुपीज जो हमने एड पे स्पेंड किया, उसके बदले वो आपको 6,000 की सेल ला देगा, ठीक है? तो मतलब इसमें सेल्स की जो जो आपकी प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो गया, सेल की वैल्यू इंक्रीज हुई, कन्वर्जन वैल्यू भी बढ़ गई है, ठीक है? ओके, इसके बाद आता है मैक्सिमाइज क्लिक्स। इसमें क्या होता है कि ये इस स्ट्रेटेजी में वो कोशिश करता है कि जो आपने उसको बजट दिया है, उस बजट के अंदर ज्यादा से ज्यादा आपको नंबर ऑफ क्लिक्स ला के दे, ठीक है?
अच्छा, अभी देखिए यहाँ पे ना जो बिडिंग स्ट्रेटेजीज हो रही है, इनमें एक कन्वर्जेंट हो रहा है और एक कन्वर्जेंट वैल्यू। कन्वर्जेंट वाला जो है ना, ये वही है जो मैंने आपको सीपीए बताया कि वो कॉस्ट पर एक्विजिशन, मतलब आपको उसमें ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जेंस ला के देगा, ज्यादा से ज्यादा सेल्स ला के देगा। और कन्वर्जेंट वैल्यू वाले में आपको वैल्यू, ये जो है ना, इसमें आपको कन्वर्जेंट की वैल्यू इंक्रीज होगी, मतलब कि कन्वर्जेंट की तादाद इंक्रीज नहीं हुई लेकिन उनकी वैल्यू, मतलब कि अगर फॉर एग्जाम्पल दो कन्वर्जेंस भी आई तो वो उसके अमाउंट जो है कन्वर्जन की वो कितनी है, मतलब वो आपको कितना रिटर्न कितना दे रही है, रिटर्न इंक्रीज हो बेसिकली इसमें होगा। तो जैसे दो कन्वर्जन है तो वो 5,000 की या 10,000 की होगी, तो आपको उससे काफी ज्यादा प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो अब हमने यहाँ से चूज करना होता है कि आपको कन्वर्जन की तादाद ज्यादा चाहिए या कन्वर्जन वैल्यू ज्यादा चाहिए, रिटर्न आपको ज्यादा चाहिए। और थर्ड ऑप्शन है व्यूएबल इंप्रेशन, यानी यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि आपके एड के पर इम्प्रेशन ज्यादा है, यानी आपके एड जो है वो ज्यादा शो हो लोगों को, ठीक है, तो फिर आप व्यूएबल इंप्रेशंस को पे करोगे क्लिक। लेकिन ना फिलहाल स्टार्टिंग में अगर हमने अपने सेल्स के लिए एड चला रहे हैं तो हम कन्वर्जेंस को सिलेक्ट करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे पास कन्वर्जेंस। इसमें हमने बेसिकली सबसे पहले अपने ऑडियंस सेगमेंट चूज करना है कि आप किस ऑडियंस को अपनी एड शो करवाना चाह रहे हो। ठीक है, तो इसमें देखिए वो वाली ऑडियंस जो कि मीडिया, बेसिकली हम पोलो शर्ट को सेल आउट करना चाह रहे हैं, तो हमने देखना है कि जिनका इंटरेस्ट मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में है हम उसको शो करवाएं, या लाइफ स्टाइल एंड हॉबीज में है जिसका इंटरेस्ट उससे, या न्यूज एंड पॉलिटिक्स में। अब देखिए बॉयज बेसिकली पोलो शर्ट जो है ना, हम मेंस की शेयर सेल आउट कर रहे हैं, तो ये जो है बॉयज को ज्यादातर मीडिया एंड एंटरटेनमेंट का ही ज्यादा इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो हम एक इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा ना न्यूज एंड पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होता है, और इसके अलावा उन्हें व्हीकल्स एंड ट्रांसपोर्ट में होता है इंटरेस्ट, टेक्नोलॉजी में होता है। ठीक है, और इसके अलावा हम यहाँ से ये सर्च कर सकते हैं कि जैसे पेरेंट्स ऑफ इन्फेंट्स या टॉडलर्स, पेरेंट्स ऑफ प्री स्कूलर्स, किनको हम अपनी एड्स को शो करवाना चाह रहे हैं। तो बेसिकली अगर हमारी शर्ट जो है वो यंग पीपल्स के लिए है, तो फिर उसके लिए हम इनको शो नहीं करवाएंगे, 1-2 ईयर्स के पेरेंट्स जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को, या 3-4 ईयर्स के पेरेंट्स को, बच्चों के पेरेंट्स को। ठीक है, तो इसमें से पेरेंट्स वाले से हम कोई भी नहीं करवा रहे क्योंकि हमारे जो शर्ट्स हैं वो यंग पीपल्स के लिए हैं। ठीक है, और अब हम यहाँ पे ये शो करवाना चाह रहे हैं कि जो लोग इन अ रिलेशन है, मतलब वो मैरिटल स्टेटस उनका है, वो मैरिड है या नहीं है। ठीक है, तो अगर तो वो मैरिड है उनको शो करवाना चाह रहे हैं, या सिंगल है उनको, तो हम दोनों को करवाना चाह रहे हैं तो दोनों को कर दें। ठीक है, अच्छा, अगर तो कोई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं तो जाहिर है जो उनको भी ज्यादातर टी शर्ट्स, वो मतलब जो इस तरह के यंग लोग होते हैं उन्हें शर्ट्स वगैरह लेने का में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो हम उनका भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बैचलर डिग्रीज में हो या एडवांस डिग्री में हो। ठीक है, आप सेकेंडरी स्कूल लीवर, अगर वो स्कूल लीव कर रहे हैं तो फिर वो कॉलेजेस में जा रहे होंगे, तो फिर वो भी यंग में ही एंटर हो रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम रेंटर्स को नहीं शो करवाना चाह रहे, होम ओनर्स को शो करवाना चाह रहे हैं कि वो परचेज कर सकते होंगे हमारे चीज, तो इसलिए हम इसको सिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद डेमोग्राफिक्स आता है। ठीक है, आपने डेमोग्राफिक्स में आपने बताना है कि आपने किसको शो करवाने, फीमेल को या मेल को। अगर अगर आपने शर्ट्स मेल की है तो आप जस्ट मेल को सिलेक्ट करोगे। ठीक है, और एज आपने एज ग्रुप देखना है कि अगर आपकी यंग पीपल्स की है तो आप 18 to 24 और 24 to 35, 25 to 34 तक, यानी 34 तक जो एज है यहाँ तक के लोगों को आप शो करवाते हैं। बाकी जो इससे बड़े, जो ज्यादा ओल्ड है, अगर तो फॉर एग्जाम्पल आपकी बहुत ज्यादा फैशन वाली शर्ट है ना, तो फिर आप वो बस ये 34 तक को ही शो करवाएं। और अगर आप डिसेंट है थोड़ी सी, तो थोड़े बड़े लोग भी पहन सकते हैं, फिर 35 से 44 कर दें। ठीक है, और अब इसके अलावा पेरेंटल स्टेटस में नॉन नॉट अ पेरेंट को, यानी पेरेंट जो नहीं है उनको शो करवाना है, भी करवाना है, और जो पेरेंट्स हैं उनको भी शो करवा दें, ताकि वो, वैसे अगर आप ना पेरेंट हैं उनको भी करवा दें क्योंकि हो सकता है कि वो अपने लिए तो परचेज करना चाहते हो ना। ठीक है, इसके अलावा जो हाउस होल्ड इनकम वाला सेक्शन है ना, ये पाकिस्तान में नहीं होता, ये उन्होंने नीचे लिखा भी हुआ है कि ये जो है ना ये वाली टारगेटिंग स्पेसिफिक कंट्रीज में ही अवेलेबल है, हमारे मुल्क में नहीं है। ठीक है, तो हम नहीं कर सकते, इसको फिलहाल आप छोड़ दें। ठीक, इसके बाद हमने अपने कीवर्ड्स एंटर करने हैं। ये मैंने आपको कल बताया था कि हमने कीवर्ड्स हमने सर्च आउट किए थे कुछ, और वो कीवर्ड्स हमने फ्रेज मैच में डाले थे,
फ्रेज मैच में डालने के लिए हमने कीवर्ड मैच टाइप टूल जो था वो ओपन करके यहाँ पे कीवर्ड्स को लिखने के बाद हमने यहाँ पे फ्रेज मैच पे क्लिक किया था। ठीक है, तो ये वाले कीवर्ड्स पे अंदर फ्रेज मैच का सिंबल बेसिकली ये होता है ना इन्वर्टेड कॉमास का। ठीक है, तो सब कीवर्ड्स के इर्द गिर्द इन्वर्टेड कॉमास लग गए। तो हमने यहाँ से ये वाले कॉपी करने हैं और फिर इन्हीं कीवर्ड्स को हमने अपने गूगल कीवर्ड प्लानर में जाके यहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास वाले। ठीक है, ये करने के बाद हमने यहाँ पे नीचे टॉपिक्स बताने हैं कि हम कहाँ पे जाके किन टॉपिक्स के ऊपर जो वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर हम अपनी जो है ना एड्स शो करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर भी जैसे मैंने आपको आपने ये देखना है कि बॉयज बेसिकली किन कौन सी वाली वेबसाइट्स को ज्यादा विजिट करते हैं, तो हम उनके ऊपर ही अपनी जो है ना टी शर्ट्स की एड्स को शो करवाएंगे। तो बॉयज ज्यादातर बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल में इंटरेस्ट रखते हैं, कार्स एंड व्हीकल्स में, कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, फाइनेंस में भी रखते हैं, फूड एंड ड्रिंक्स में और गेम्स में भी बॉयज को बहुत इंटरेस्ट है। लोकेलिटीज, तो आपने ये वाले सारे टॉपिक्स जो हैं इनको कर लेना है सिलेक्ट। अच्छा, ये जो ऑप्टिमाइज और टारगेटिंग है ये ऑन है, इसका मतलब ये है कि जो आपने टॉपिक सेलेक्ट किए हैं या जो आप उनसे के अलावा अगर गूगल को लगेगा ना कि अगर मैं दूसरी वेबसाइट पे किसी और वेबसाइट पे दिखाता हूँ तो इसको ज्यादा ट्रैफिक मिले, मतलब ज्यादा आपको सेल्स आ सकती हैं, तो फिर ऑप्टिमाइज ट्रैफिक टारगेटिंग ऑन करने से गूगल उन लोगों को भी एड शो उन वेबसाइट पे भी आपकी एड शो कर देगा। ठीक है, तो इसका ये फायदा ऑप्टिमाइज टारगेटिंग का कि आपने जो ऑडियंस स्पेसिफाई किया उसके अलावा अगर किसी ऑडियंस को दिखाने से फील होता है गूगल को कि मुझे इसको दिखाने से ज्यादा सेल्स आ सकती हैं, तो आपकी टारगेटिंग के अलावा अलावा उन लोगों को भी वो या उन वेबसाइट पे भी वो आपकी एड को ट्रिगर कर देगा दिखा देगा। ठीक है, इसके बाद प्लेसमेंट है। ठीक है, प्लेसमेंट में आपने यहाँ से आप खुद से कुछ वेबसाइट्स बता सकते हो कि जिन वेबसाइट्स के ऊपर आप अपनी एड को शो करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे ना ब्राउज करना है कोई वर्ड या फ्रेज, कुछ भी यूआरएल वगैरह जो के जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ लिखते हैं बाय पोलो शर्ट, तो हमें वो बता रहा है कि अगर बाय पोलो शर्ट अगर हम गूगल पे लिखें तो 34 वेबसाइट्स हैं जो ट्रिगर होंगी, और अगर हम यूट्यूब पे सर्च करें तो 52 यूट्यूब चैनल्स हैं और इसके अलावा 1000+ यूट्यूब वीडियोस हैं जो जो हमें बाय पोलो शर्ट्स पे शो होंगी। ठीक है, और 490 एप्स हैं जिनके अंदर पोलो शर्ट्स सेल आउट हो रही हैं। तो अब हम यहाँ पे क्लिक करके ना ये डिफरेंट वेबसाइट्स हैं इनमें से कोई भी वेबसाइट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं कि उस वेबसाइट पे हमारी एड भी शो हो। तो अगर कोई उस वेबसाइट पे जा रहा है तो उसका मतलब वो उस वेबसाइट पे कुछ परचेज करने के लिए ही गया ना, तो अगर तो हमारी जो चीज है उसमें वो इतनी अच्छी हमने बनाई हुई है उसकी इमेजेस और वो उसमें इतनी अच्छी हमने कोई क्वालिटी वगैरह बताई हुई है लोगों को, तो फिर वो हमारी हमारी एड वहाँ पे शो होने से हमारी चीज भी परचेज कर सकते हैं, हमारे वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो पोलो शर्ट की वेबसाइट्स है ना, सॉरी पोलो शर्ट की वीडियोज हैं एक्चुअली, आपने उनको सिलेक्ट करना है, जिसके अलावा इसमें कुछ और रेलिवेंट भी आ जाएंगे तो आपने वो नहीं करनी सिलेक्ट। ठीक है, इस तरह से आप जो आपको लग रहा है टॉप बेस्ट वुमेन्स ये छोड़ दें, पोलो टी शर्ट आउटफिटर्स फॉर ऑफिस ये आप कर लें। ठीक है, इस तरह से आपने जो आपके रेलिवेंट आपको लगी यूट्यूब वीडियोज आप उनको करें, और एप्स में भी जाके जो आपको रेलिवेंट एप्स लग रही है जैसे मैन शर्ट, पोलो सूट, स्वेट, और तो इस तरह से आप यहाँ से जो से आपको रेलिवेंट वेबसाइट्स लगे कि ये वेबसाइट जो है सॉरी एप्स लगे कि ये एप्स जो है मेंस वेयर को सेल आउट कर रही है या फिर मेंस टी शर्ट्स को, तो आप उनको सिलेक्ट कर लें, उनमें उनमें भी आपकी एड्स शो हो जाएंगी। ठीक है, तो इस ये करने के बाद आप यहाँ पे डन पे करना है, तो आपकी प्लेसमेंट जो है वो टारगेट हो आपका ये जो है ना एड क्रिएशन का जो है सेक्शन ये आ जाएगा। यहाँ पे आपने अपना यूआरएल देना है अपनी वेबसाइट का, ठीक है, जो जिस पे आप लैंड करवाना चाहते हो, और उसके बाद यहाँ पे अपने अपने बिजनेस का नेम देना है। स्टूडेंट्स ये ना लोड नहीं हो रहा क्योंकि नेट की स्पीड काफी स्लो है, तो इस वजह से तो मैं आपको वैसे बता देती हूँ कि आपने यहाँ पे ना 15 इमेजेस तक जो है ना अपलोड कर सकते हो, तो वो 15 इमेजेस में से डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस डिफरेंट ऑडियंस को शो करवाएगा। ठीक है, और डिफरेंट जगह पे, और फिर अगर तो आपने ऑप्टिमाइज किया हुआ है तो फिर जो से इमेजेस इमेज से ज्यादा अच्छा रिजल्ट आ रहा है वो वाला इमेज जो है ना वो
यहाँ पे आप मतलब वो इमेज आगे फिर कंटिन्यू करेगा बाकी लोगों को दिखाना। और यहाँ पे लोगोस में आप अपने जो मतलब आपका बिजनेस का लोगो है वो अपलोड यहाँ पे दे सकते हो, और वीडियोस में आप अपनी कोई भी वीडियो जो है वो बना के दे सकते हो, यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। ठीक है, तकरीबन 30 सेकंड की आपकी वीडियो होनी चाहिए। और यहाँ पे हमने 5 हेडलाइन एटलीस्ट ऐड करनी है, ठीक है, और जैसे हम फेसबुक मार्केटिंग में ऐड करते थे वैसे। इसके अलावा हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपने देनी है, डिस्क्रिप्शन भी आप 5 ऐड कर सकते हो। ठीक, तो उसके बाद जब आप ये कर लोगे तो इसके बाद आपने यहाँ पे अपनी ऐड को सेव करना है, क्रिएट ऐड पे क्लिक करना है और इसको नेक्स्ट करके सेव कर देना। ठीक है, तो ये हमारी जो है ना, जब आप ये सारी चीजें कंप्लीट कर लोगे मतलब आप इमेज वीडियो हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शंस वगैरह दे दोगे तो आपकी एड स्ट्रेंथ जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे इनकम्प्लीट इसलिए आ रहा है कि अभी ये चीजें अपलोड नहीं हुई, क्योंकि नेट का जो स्पीड है ना उसका प्रॉब्लम है, तो इस वजह से ये लोड नहीं हो रहा। यहाँ पे ना हमारी जो मैंने सेटिंग है वो तो मैंने आपको कंप्लीट सारी समझा दी है। ठीक है, तो इस तरह से आपने बस अपनी सेटिंग करनी है, ये सारी चीजें इंक्लूड करनी है। ठीक है, ये तो हमने फेसबुक मार्केटिंग में भी सारा देखा होगा कि हम कैसे हेडलाइंस वगैरह इंक्लूड करते हैं और डिस्क्रिप्शन कैसे करते हैं, ये हमने ChatGPT से लिखवा लेना है। ठीक, और हाँ, और एक और चीज मैं आपको बताना भूल गई कि जो हमने कीवर्ड्स यूज किए थे ना अपने यहाँ पे कैंपेन सेटिंग में जाके, हमने कुछ कीवर्ड्स ऐड किए थे, ये ड्राफ्ट में सेव इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि नेट का प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो इस वजह से ये सेव नहीं हो पा रहा, तो इसलिए ये एरर शो कर रहा है कि ये भी सेव नहीं हुई हुई हमारी कैंपेन ड्राफ्ट में। ठीक है, तो अच्छा, आपने ये जो कीवर्ड्स यहाँ से कीवर्ड्स लिए थे ना, ये वाले कीवर्ड्स आपने कॉपी करके जब आप जनरेट करवाएंगे हेडलाइंस वगैरह, ChatGPT से, ठीक है, तो आपने ChatGPT को ये कीवर्ड्स देने हैं कि ये इन कीवर्ड्स को वो यूज करे और फिर आपको हेडलाइंस जनरेट करके दे। ठीक है, इससे आप कहीं का आई वॉन्ट टू सेल पोलो शर्ट्स इन थ्रू गूगल एड, तो आप आगे लिखते हैं गिव मी 5 शॉर्ट हेडलाइंस यूजिंग कीवर्ड्स ठीक है, इसको आपने कीवर्ड्स देने हैं और फिर आप इन कीवर्ड्स को यूज करके आपने हेडलाइंस जनरेट करवानी है, और फिर और डिस्क्रिप्शन में भी आपने ये कीवर्ड्स के थ्रू ही डिस्क्रिप्शन जनरेट करवानी है, फिर रेलिवेंसी आती है ऐड की। ठीक है, तो ये हमारा आखिरी लेक्चर था, तो मुझे उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया। कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। ठीक है, और इनशाला ये हमारा जर्नी जो है वो जारी रहना चाहिए। आप लोग अपने अपने बिजनेस इस्टेब्लिश करें, कोई भी प्रॉब्लम आए मेरे से व्हाट्सएप ग्रुप में बाद में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो